नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। नवादा जिले से एक चौंका देने वाली घटना की खबर है। यहां शराब माफिया के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एसएचओ सहित 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लखपत बीघा की है। यहाँ शराब माफिया के घर पर छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी कर थाना अध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार नवादा जिला के अंतर्गत गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बक्सोती पंचायत के लखपत बीघा निवासी राजेंद्र यादव उर्फ बुधन यादव और 2 अन्य लोगों के घर पुलिस अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई थी, जिसमें एक शराब धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर रोड़ेबाजी की, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में चल रहा है। इस बारे में थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि छापेमारी के समय राजेंद्र यादव को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद बिजली कट गई। अंधेरे में ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी, जिस कारण शराब धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसएचओ के अनुसार मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। नवादा से उपेंद्र राज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।